पता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग या पीएन जंक्शन, अगर पीएन जंक्शन है फॉरवर्ड बायस यूज कर रहे हो तो इसमें से कौन सा डायग्राम सही होगा? देखो फॉरवर्ड बायसिंग जब भी होती है तो डिप्लीशन लेयर मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर ऑलरेडी दिया हुआ, होल किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे वो वाली चीज़ हमें दिखाना। देखो अगर ये एक पी एन जंक्शन है और ये पी है और एन है, ये डिप्लीशन लेयर है, तो यहाँ से अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग कौन सा कलेक्शन की हो, फॉरवर्ड बायसिंग ये प्लस और ये माइनस, तो अगर मैं यहाँ प्लस माइनस कनेक्ट करता हूँ, प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, प्लस माइनस कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, बराबर है। तो ये जो पॉजिटिव वाले जो होल्स हैं वो इधर मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर होगी क्योंकि यहाँ से करंट ऐसे जा रही कन्वेंशन, तो ऑब्वियसली इस वायर में इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं। हमेशा याद रखना वायर में कभी होल नहीं मूव करता, वायर में केवल करंट मूव इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, तो इस टाइप से मूवमेंट होता है और मतलब इसको ऐसे दिखाया जा सकता है। और ये जो एरो दिखाया गया प्यारे बच्चों, ये जो एरो है, जूम कर दूँ इसको, ये जो एरो है वो यही दिखाए, एरो यही दिखा रहा है प्यारे बच्चों इसमें चार्ज कैरियर का मूवमेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे तो चार्ज कैरियर मूव नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, दोनों एक साइड मूव करते हैं, दोनों ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं होल और इलेक्ट्रॉन।